अच्छा जी, बावलपुर आ गया है। हम बड़े इम्प्रेस्ड हैं बावलपुर से अभी तक, अंदर अभी भी आए हैं, बट जो कुछ नज़र आ रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि कचरा रोड पे नज़र नहीं आ रहा है सबसे पहले। और अभी फार्मेसी में बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे, तो लग रहा था इंटरनेट कैफे है। तो मेरी बेटी कह रही है कराची वालों को जलाने के लिए लगाए हैं। तो और रोड पे आप देख सकते हैं रौनक रौनक है, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग हैं, रेस्टोरेंट हैं। ठीक है भाई, शैंग्रीला लाहौरी चिकन। अच्छा जी, और क्या है? बड़ा चिकन शवरमा 50 रुपये पर के जी। 50 रुपये का शवरमा? और क्या जी? बड़ा चिकन। ओह वाह, बहुत बहुत हाई टेक रिक्शा। ओह हाई टेक रिक्शा भी आ गया यहाँ पे। आप भी थोड़ी वाह हाय, इतना खूबसूरत। हमने अभी स्कूल देखा, लग रहा था दिल चाह रहा था छोटे हो जाए वापस। पता नहीं क्या नाम था, समथिंग समथिंग स्कूल। ये चौकियाँ भी बड़ी प्यारी प्यारी हैं, तोप लगाई हुई इन्होंने डराने के लिए बच्चों को, पुराने ज़माने की तोप। ये तो बादशाह सलामत की तोप लग रही है। खैर जी, नवाब ऑफ बहावलपुर ने कोई अच्छा काम किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अभी तक मुझे लगता है कि वो ख़ास हैं। क्योंकि मुझे फेसबुक पे भी जो कांटेक्ट करता था बहावलपुर से, वो अच्छा ही होता था। ठीक है, पीले हाउस, पूली हाउस। एक और हाडी भी यहीं पे है जी। कपड़े भी है, ये कपड़े है, वर्दा है, वर्दा इस साइड की तो कपड़ा होती है ना, ये ना गर्ल्स के लिए बनाया पूरा शहर। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की शक्ल इतनी अच्छी है। हां, साफ सुथरा शहर है। कब से हम यहां बाकी से जाने हो गए। रोड पे फूल बत्तियां भी है भाई। शर्म करें सिंध वालों, कैसा आपने सिंध को बना के रखा हुआ है। हम भी सिंध वाले हैं वैसे, तुम्हारी बात से हम अपने आप को ही शर्म लाने को क्या है। सिग्नल फ्री सिटी, हाँ ये बात भी, अभी तक सिग्नल भी नहीं आया। ये प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ कोई? हाँ, प्रिंटिंग प्रेस रखा हुआ था बाहर पुराने ज़माने का। मॉल ऑफ बहावलपुर बनने वाला है वो आज ही। वहाँ सिन्नाबार फ्राइड चिकन, यहाँ एक और अभी हमने फ्राइड चिकन देखी थी, वो फुल थी बिल्कुल। और ये सब देख के 70 रुपीस का। जल्दबाज कौम है हमारी दोनों साइड से। तो चिकन बिरयानी एंड मछली ब्रोस्ट, मछली ब्रोस्ट भी होता है जी। टोपी अच्छी है जी, बहुत टोपी बढ़िया है। हाँ जी, और लेज़र चल रहा है, थोड़ा छोटा बढ़ इधर का चाचा। और ऑलरेडी हॉट सेल, ओके। हाँ जी, और ये क्या है? शान चिकन ब्रोस्ट, ये मुझे लगता है कढ़ाई के ब्रोस्ट है। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस बावलपुर, ये हमारे भाईजान जो हैं उनको प्रेस नज़र आया है। वैसे देखने वाली चीज़ है। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस 1863। वाह, तो इसका मतलब है कि ये अंग्रेज़ों ने बनाया होगा, या नवाब ऑफ बहावलपुर का प्रेस होगा। अंग्रेज़ों से भी एडवांस थे वो नवाब साहब। और ये पुराने ज़माने का प्रिंटिंग प्रेस है, ये कौन से एन सन है? हाइडेनबर्ग। ये डाई है, प्रिंटिंग नहीं है ये तो। हमारे गोदाम वाली मशीन लगी, प्रिंटिंग ही है ना, जिसमें वो बटर छोटे छोटे। ये हिस्ट्री भी लिखी है भाई, ये सादिकुल अनवर प्रेस था। वाह, 1869 से 1906 तक, फिर सादिकुल स्टीम प्रेस बन गया। हिस्ट्री भी लिखी है,
पहले तो बिजली तो थी नहीं ना, 1869 में बिजली तो नहीं होती थी। तो फिर उसके बाद स्टीम आया तो स्टीम प्रेस बन गया, हमें तो अपनी तारीफ का पता ही नहीं, यहाँ पे ये भी था। फिर इलेक्ट्रिक फन प्रेस आ गया, फिर कब्जा हो गया गवर्नमेंट ने। ये तो कटिंग मशीन है, ये हैंड से कटिंग हो रही है, हमारे पास अभी अपने की होती है नहीं, हाथ से कट रहा है वो। हाथ से ही होता, अभी भी ऐसे ही होता, हाथ से का होता है नीचे वो बटन लगा दी। बना अगर ये हाथ वाली की होती है लगा दी बेटा, इसकी फोटो ले लेना यार। हां आप तेरा क्या नाम है इस्माइल, आपका कैसे ले लेना। हां खींच लो, इसका भी आ रही है, इसका भी ले ले बेटा, तैयारी है डीएसएलआर से ले, इससे आ जाएगी। चलो कटिंग मशीन की भी लो, ये भी ये तो आके देखना है। चाहिए उसे अगर ये म्यूजियम बना, ये चलता है। नहीं है ये थोड़ी है, वैसे नहीं है, अगर यहाँ में ये जरूरत है कागज वागज तो बिकता नहीं है, तो मार्केट जाके देखना, मार्केट है ही नहीं, मुल्तान में है सारे मार्केट। बेटा फिर फोटो खींच रहे हो मशीन की, तो खींच ली जरा मशीन की फोटो ले। हेलो बेटा फोटो खींच रहे हो स्माइल, यू शुड विजिट लाइब्रेरी रोड। अच्छा जी वहाँ क्या होता है भाई, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। हाँ मेरे ख्याल में हमें म्यूजियम जाना पड़ेगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और नवाब साहब ने अगर 1869 में इनके ज़माने में अगर प्रिंटिंग प्रेस यहाँ लगा हुआ था, और जब 1869 में बिजली भी नहीं होती थी दुनिया में, और उसके बाद इन्होंने स्टीम प्रेस लगा लिया, तो डेफिनेटली म्यूजियम में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी देखने वास्ते। सिन्ना बार खाली है, शहर फ्राइडे नाइट 10 PM है। दरख्त दरख्त बहुत सारे दरख्त, असली बेटा सर्दी लग रही है, ऊपर से खुला है। अच्छा जी ये क्या है पता नहीं कुछ है। अच्छा जी बावलपुर की सैर हो गई, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।